रहीम। तो आज हम लोग पढ़ने मैथिक्स टेस्ट 15। तो ये टेस्ट उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए स्पेशल डिजाइन किया गया है जो कमीशन्ड ऑफिसर्स पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स, एरो ट्रेड्स, एरो स्पोर्ट्स, नेवी मरीन्स, टेक्नीशियंस, सेलर्स, कमीशन्ड ऑफिसर्स पाकिस्तान आर्मी, कमीशन्ड ऑफिसर पाकिस्तान एयरफोर्स और मैट्रिक एनुअल एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो बढ़ते हैं व्यूवर्स अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ए इज टू पावर एक्स इज इक्वल टू एन देन। अब यहाँ पे ये हमारे पास स्टार्ट हो गया लॉग वाला क्वेश्चन। अगर लॉग में आपको इस तरह के क्वेश्चन दिए जाए तो आपने सिंपली क्या करना होता है कि ये जो आपका कोएफिशिएंट है यहाँ पे, ये बेस में चेंज हो जाता है और जो एक्सपोनेंट है आपका वो किस में चेंज हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा कोएफिशिएंट में। अब देखिए इसका आंसर है एक्स इज इक्वल टू लॉग ए एन। अब मैंने क्या कहा था कि जो कोएफिशिएंट होता है हमारे पास, जो कि हमारे पास ए, उसके साथ क्या लग जाएगा, उसके साथ लग जाएगा लॉग, और वो ए जो कोएफिशिएंट था वो बन जाएगा बेस, यानी कि वो आ जाएगा यहाँ पे। अब ये जो आपके पास एक्स था ये इज इक्वल टू किस तरफ चला जाएगा, ये एक्स आपके पास पहले एक्सपोनेंट था लेकिन यहाँ पे आके ये क्या बन गया, कोएफिशिएंट, और ये जो एन था ये सिंपली लॉग वाली साइड पे चला जाएगा और उसके साथ लग जाएगा एन। तो लॉग बेस ए एन इज इक्वल टू एक्स, इसको अगर आपने रिप्रेजेंट करना हो तो आप इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे कि आप कोएफिशिएंट को बेस के साथ, ये आपके पास बेस है, कोएफिशिएंट ये आपके पास, ये कोएफिशिएंट को आपने बेस के साथ चेंज कर दिया, साथ लगा दिया लॉग, और जो आपके पास एक्सपोनेंट था जो कि था एक्स वो आपने चेंज कर दिया कोएफिशिएंट में, और एन जो था वो लॉग वाली टर्म के साथ आपने यूज किया। क्वेश्चन नंबर 2, वाई इज इक्वल टू लॉग जी एस इंप्लाइज, सेम आपने ये करना है, ये आपके पास कोएफिशिएंट है, ये आपके पास क्या है, बेस, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि आपने बेस को चेंज कर देना है कोएफिशिएंट में, और फिर जब आप बेस कोएफिशिएंट को बेस में चेंज करते हैं तो उसके साथ लगता है लॉग, लेकिन जब आप करते हैं बेस को कोएफिशिएंट में चेंज तो सिंपली आपने क्या करना है कि ये आपने लिखा z। अब ये जो आपके पास कोएफिशिएंट था ये इस z की पावर बन जाएगा, और दूसरी तरफ जो x है आपके पास वो ऐसे ही रहेगा। अब क्या हुआ कि जो बेस था वो कोएफिशिएंट बन गया और जो कोएफिशिएंट था वो एक्सपोनेंट बन गया। तो यहाँ पे आपके पास एक्स जो था वो उसी साइड पे रहा। तो अगर आपके पास आपने इस तरह इसको चेंज करना हो तो आप क्या करते हैं कि बेस को कोएफिशिएंट में चेंज कर देते हैं और कोएफिशिएंट को आप एक्सपोनेंट में चेंज कर देते हैं। तो आंसर हमारे पास जी वाई इज इक्वल टू एक्स। क्वेश्चन नंबर 3, इफ लॉग एक्स 64 इज इक्वल टू 2 देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज। तो मैंने क्या बताया था, ये आपके पास बेस है एक्स और ये आपके पास कोएफिशिएंट है, तो बेस क्या बन जाएगी, कोएफिशिएंट ये बन गया, और ये आपके पास जो कोएफिशिएंट है वो क्या बन जाएगा, एक्सपोनेंट, यानी कि एक्स का स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू 64 जो आपके पास दूसरी साइड में चले जाएगा और लॉग खत्म हो जाएगा। तो अब यहाँ पे एक्स का स्क्वायर हमें वैल्यू किसकी चाहिए, एक्स की, तो यहाँ पे आपने दोनों तरफ अंडर रूट इसका लिया, यहाँ पे स्केयर स्केयर के साथ कैंसिल हो गया, 64 किसका स्केयर होता है, 64 होता है स्केयर 8 का, तो यहाँ पे ये स्केयर और स्केयर खत्म हो गए, तो x इज इक्वल टू आपके पास क्या आया, x इज इक्वल टू आपके पास आया 8। इफ लॉग 64 8 इज इक्वल टू x बाई 2 देन वैल्यू ऑफ x इज। सिमिलरली ये आपके पास बेस है, ये आपके पास कोएफिशिएंट है, बेस क्या बन जाएगी, कोएफिशिएंट, यानी कि ये बन गया 64, ये जो आपके पास कोएफिशिएंट था वो क्या बन गया, वो बन गया एक्सपोनेंट, यानी कि 64 इज टू पावर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 8। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपने सिंपली यहाँ पे पावर लेनी है कि 2 की पावर 6 जो है आपके पास वो होता है 64, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 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 2, 2 को आप जब 6 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे उसके साथ तो आपके पास 64 आ जाएगा, इस टू पावर है एक्स बाई 2, और यहाँ पे 8 के 2 को आप 3 दफ़ा 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 2 का क्यूब लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8। तो अब आपने क्या किया, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, जब दो पावर्स आ जाती हैं तो ये x बाई 2 है और ये 6 है, यानी कि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है 6 मल्टीप्लाई बाई x बाई 2, 2 डिवाइड हो रहा है, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 3 6, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया 3x, यानी कि यहाँ पे आपके पास पावर आ जाएगी 2 इज टू पावर 3x, और यहाँ पे आपके पास क्या है 2 इज टू पावर 3। अब ये टर्म ये है कि अगर आपके पास
बेस जो है यानी कि जो आपके पास कोएफिशिएंट है वो अगर सेम हो तो जो आपके पास एक्सपोनेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल आ जाते हैं, यानी कि 2 इज इक्वल टू 2 है तो इसका मतलब है कि 3x इज इक्वल टू 3 है। अब आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप दोनों तरफ से 3 को डिवाइड कर दें, या 3 को ये वाला जो 3 था उसको दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर दें। ये 3 3 के साथ कैंसिल, ये 3 3 के साथ कैंसिल, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 1 इक्वल टू। आपने यहाँ पे फाइंड करना है कि लॉग जब आप e का लेंगे तो क्या आएगा, e की वैल्यू आपके पास 2.718 है। जब आप 2.718 का लॉग लेंगे तो जो आपके पास आंसर होगा वो होगा 0.4343। लॉगरिथम ऑफ यूनिटी टू एनी बेसिस, अब यूनिटी आपको पता है होती है 1, तो इसमें आपसे क्या कहा गया है कि आपके पास जो यूनिटी ऑफ लॉगरिथम है यानी कि लॉगरिथम ऑफ यूनिटी जो है वो आपके पास कितनी होती है, तो याद रखिए लॉगरिथम ऑफ यूनिटी जो है वो हमेशा 0 होती है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो आपके पास लॉग 1 है वो किसकी इक्वल है, 0 के। अब लॉग 1 0 की इक्वल क्यों है, इस वजह से क्योंकि आप किसी भी टर्म की पावर 0 लें, मतलब कि आप किसी एक्सपोनेंट को 0 लें, मतलब कि आपने 5:0 किया या 5:0 किया तो आपके पास क्या आ गया 1। आप किसी का भी लें, 2:0 लेंगे आपके पास क्या आएगा 1। सो इफ़ किसी की भी अगर एक्सपोनेंट आप 0 लेंगे तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। सो इस मीन्स के log 1 इज इक्वल टू 0। लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर टू इटसेल्फ एज अ बेस इज, अब इसमें इन्होंने बात क्या की है, सबसे पहले वो समझे, लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर टू इटसेल्फ एज अ बेस इज, इसका मतलब ये है कि अगर आपने किसी भी नंबर, मिसाल के तौर पर आपके पास नंबर है n, इसके आपने टू इट्स सेल्फ एज अ बेस, यानी कि ये आपने log n लेना था और ये n जो है वही उसकी बेस है, तो वो किसकी इक्वल होगा, तो वो हमेशा इक्वल होता है 1 के। यानी कि इसका मतलब ये है कि आपके पास क्या है, log n, मिसाल के तौर पर आप ले लें 2, यहाँ भी 2 आ गया, यहाँ भी 2 आ गया, तो इसकी वैल्यू क्या बन गई 1। यानी कि जब आप इसको, अब आपके पास इसको सॉल्व करते हैं कि ये आपके पास बेस है, ये आपके पास कोएफिशिएंट है, तो मैंने क्या बताया था कि कोएफिशिएंट बेस में और बेस जो है बेस कोएफिशिएंट में और कोएफिशिएंट एक्सपोनेंट में चेंज होता है। यानी कि ये यहाँ पे बेस थी, ये कोएफिशिएंट बन गया, ये क्या थी कोएफिशिएंट, इसका बन गया 2:1 और 2 दूसरी साइड पे आ जाएगा, 2:1 2 इज इक्वल टू क्या आ गया 2। तो ये सिर्फ तब ही मुमकिन है जब आपके पास जो दोनों यानी कि लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर टू इटसेल्फ एज अ बेस जो है वो 1 की इक्वल हो। पार्ट ऑफ माइनस आयोटा 3i+2 इज, तो ये मैंने आयोटा वाले क्वेश्चन लास्ट पार्ट में कराए थे और आपको बताया था कि जिस टर्म के साथ आयोटा यूज़ हो वो इमेजिनरी पार्ट होता है। अब आप इसको पहले सॉल्व करेंगे, माइनस आई को 3i के साथ आपने मल्टीप्लाई किया, आपके पास क्या आ जाएगा 3i2, यहाँ पे 2i आ जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या होती है 1, तो ये तो बन जाएगा 3, तो यानी कि ये इमेजिनरी पार्ट नहीं है, इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, और इसके साथ आयोटा है तो इसका मतलब है कि जो 2 है आपके पास वो क्या है, वो आपका इमेजिनरी पार्ट है, और जो 3 है आपके पास ये आपका रियल पार्ट है। a=1, अब यही बात जो मैंने पहले की थी कि अगर आप किसी भी नंबर का लॉग लें और उसकी बेस भी वही नंबर हो तो वो किसकी इक्वल होता है, वो इक्वल होता है हमेशा 1 के। पार्ट ऑफ द कॉमन लॉगरिथम ऑफ ए नंबर इज, अब डेसिमल पार्ट लॉगरिथम को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मैंटिसा। सिंपली इसका मतलब क्या है कि ये अगर आपके पास कोई टर्म दी हुई है, जैसे आपके पास दिया हुआ है 0.12, तो ये आपके पास क्या है, ये जो डेसिमल पॉइंट है इसके बाद की जो वैल्यू होती है उसको कहते हैं मैंटिसा, और जो इसके पहले की वैल्यू होती है उसको कहते हैं करेक्टरिस्टिक। अब यहाँ पे मिसाल के तौर पर ये बना कैसे कि ये आपके पास था 12, पॉइंट आता है हमेशा यहाँ पे, अब आपने पॉइंट लेके जाना है यहाँ पे, ठीक है। जब आप राइट टू लेफ्ट करते हैं आपको पता होता है कि आप 10 की पावर हमेशा पॉजिटिव में लेते हैं, तो ये आपके पास ये जो 12 है ये मेंटिस है, ये 0 है, ये करेक्टर है, और ये जो 2 है इसके ऊपर ये क्या है, x का एक्सपोनेंट है। करेक्टरिस्टिक ऑफ log 5.79 है, सबसे पहले आप log 5.79 को सॉल्व करेंगे। log आप लें 5.79 का तो आपके पास क्या आता है, आपके पास आता है 0.7626। अब मैंने पहले बताया था कि डेसिमल यानी कि पॉइंट के बाद की जो वैल्यू होती है वो मेंटिसा होती है, और पॉइंट के पहले की जो वैल्यू होती है वो करेक्टरिस्टिक होती है, तो पॉइंट से पहले हमारे पास 0 है, तो इस वजह से इसका करेक्टरिस्टिक भी x इज इक्वल टू log y, देन y इज कॉल्ड,
अगर एक्स लॉग वाई इक्वल है तो वाई इसमें एंटी लॉगरिथम है। अब इसका मतलब क्या है, जब आप लेते हैं लॉग 1000 का, 1000 का आप जब लॉग लेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 3। अब एंटी लॉग क्या है, एंटी लॉग इसका इन्वर्स है, यानी कि जब आप 3 का एंटी लॉग लेंगे, यानी कि 3 का आपने क्या लिया, एंटी लॉग, जब आप 3 का एंटी लॉग लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1000 आएगा। लेकिन आप 3 का लॉग लेंगे तो कभी भी 1000 नहीं आएगा, 3 का जब आप एंटी लॉग लेंगे यानी कि उसका इन्वर्स लेंगे तब आपके पास जो है वो 1000 आएगा। अब यहाँ पे क्या था, एक्स इज इक्वल टू लॉग वाई, अब इसमें वाई जो है वो एंटी लॉग है क्योंकि पहले ये इक्वेशन होगी लॉग एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है, फिर हमने इसका एंटी लॉग लिया तो एंटी लॉग वाई इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा, तो वाई जो है इस वजह से इसमें क्या है, एंटी लॉगरिथम है। टू पावर एन कैन बी रिटन एज, अब यहाँ पे क्या होगा, सिंपली जो इसका एक्सपोनेंट है वो उसके कोएफिशिएंट में चेंज हो जाएगा सिंपली, यानी कि क्या आ जाएगा कि एन लॉग एम, यानी कि अगर आपके पास सिंपली ये दिया हुआ हो कि लॉग 2 का क्यूब, तो आप इसको चेंज कैसे करेंगे कि ये जो एक्सपोनेंट है ये कोएफिशिएंट में आ जाएगा, यानी कि 3 log 2, कहीं भी आपके पास 3 log 2 लिखा हो इसका मतलब है कि वो 2 का क्यूब है, यानी कि वो 8 के इक्वल होगा, तो इसका आंसर है एन लॉग एम। लॉग बी ए मल्टीप्लाई बाय लॉग सी बी कैन बी रिटन एज, अब सबसे पहले आप ये देखें, ये लॉग बी इसमें जो, सॉरी ये यहाँ पे मिस्टेक है, इसमें इसका मतलब ये है कि लॉग बी यानी कि ये बी जो है ये बेस है और ए जो है ये कोएफिशिएंट है, मल्टीप्लाई आपके पास क्या है लॉग, इसी तरह सी जो है ये बेस है और बी जो है आपके पास कोएफिशिएंट है, तो अब ये अगर आप इसको इस टर्म को मल्टीप्लाई करें आपके पास क्या आएगा, लॉग बी बेस और ये साथ बी, तो मैंने बताया था कि अगर नंबर और बेस सेम हो तो वो किसके इक्वल होता है, वो होता है 1 की इक्वल, ये तो वैसे ख़त्म हो गया, पीछे आपके पास क्या रह गया लॉग सी और सिर्फ ए, तो यहाँ पे आप सिंपली क्या लिख देंगे, ये लॉग ये सी उसकी बेस और ये ए जो है ये कोएफिशिएंट, तो आपके पास आंसर क्या आएगा लॉग सी ए। क्वेश्चन नंबर लॉग वाई एक्स विल बी इक्वल टू, तो जो लॉग वाई एक्स है आपके पास वो आपकी इक्वल आएगा लॉग जी एक्स डिवाइडेड बाय लॉग जी वाई। इसी क्वेश्चन के साथ व्यूअर्स जो है अब अपनी वीडियो के अख्ताम तक पहुँचे, बता दूँ कि शाहीन लीडर्स एकेडमी में इनिशियल टेस्ट पाकिस्तान आर्मी कमीशनड ऑफिसर्स, इनिशियल टेस्ट पाकिस्तान एयरफोर्स कमीशनड ऑफिसर्स, पाकिस्तान एयरफोर्स एयरमैन टेस्ट, पाकिस्तान एयरफोर्स एयरवुमेन टेस्ट, पाकिस्तान एयरफोर्स सिविलियन टेस्ट, पाकिस्तान नेवी सेलर्स टेस्ट, पाकिस्तान नेवी मरीन टेस्ट और पाकिस्तान नेवी सिविलियन टेस्ट की तैयारी जो है वो एक ही फीस में कराई जाती है। ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम। इसी के साथ शाहीन यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उस पर कमेंट करें, नीचे बेल आइकॉन के बटन पर क्लिक करें। इसके अलावा शाहीन लीडर्स एकेडमी की वेबसाइट www.shaheenleadersacademy.com को विजिट करें जिससे आपको बहुत सा फ़ायदा हासिल होगा। पाकिस्तान आर्म फोर्सेज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। फी अमान अल्लाह।